राजधानी दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में गुरुवार को ऑटिज्म जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों ने अपने हुनर का परिचय देते हुए गायन की सुरीली तान से सबको मंत्रमुग्ध कर संदेश दिया कि हम किसी से कम नहीं। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। आशाए किले दिल की, उम्मीदे हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आयोजकों के अनुसार इस दिवस को मनाने का मकसद ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों और बड़ों के जीवन में सुधार हेतु कदम उठाना है। बहुत सारी और सर्विसेज की ज़रूरत है, बहुत सारे डॉक्टर्स, ट्रेन प्रोफेशनल्स, उनकी ज़रूरत है, पर उन सबसे ज़्यादा हम सब जो कम्युनिटी हैं, जो आसपास रहते हैं, उनके लिए हमें संवेदनशील होना है। इस बीमारी को पहचानने का कोई निश्चित तरीका ज्ञात नहीं है, लेकिन जल्दी निदान हो जाने की स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ किया जा सकता है। ऑटिज्म के बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों को। मेरे अपने बच्चे को जब ऑटिज्म हुआ था, मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि ऑटिज्म क्या होता है, किस कारण होता है, क्या इसकी मैनिफेस्टेशंस हैं। सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। आंकड़ों के अनुसार देश में प्रत्येक 110 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता है। ऐसे में आज जरूरत इस बात की है कि समाज में दरकिनार समझे जाने वाले इन मासूम बच्चों को भी हम मान सम्मान दें और भावनात्मक लगाव के साथ समाज में उन्हें जीने की आज़ादी भी प्रदान कराएं। गोपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।